हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे फर्नीचर फिक्स जो कि डैमेज हुआ है दीमक से। पहला हमारा स्टेप है टर्माइट ऑयल अप्लाई करना। यहाँ पे मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ टर्मिनेटर, और एक अच्छा सा ड्राई ब्रश लेके आप उस ऑयल को अच्छे से अप्लाई करिए ताकि कोई भी जगह आपकी खाली ना रहे। क्योंकि पता चला कि बाहर से तो आपने रिपेयर कर दिया है लेकिन अंदर से जो दीमक वो उसे खा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे फर्नीचर में एक होल भी है जिसमें मैं अच्छे से तेल डाल रही हूँ ताकि जितने भी दीमक है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। सेकंड स्टेप है हमारा फिलिंग का। फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये लकड़ी का बुरादा, जो कि आपको इजीली किसी भी पेंट की शॉप से या जहाँ पे फर्नीचर फिक्स करने की जो सामान मिलता है वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ मैं ले रही हूँ फेविकॉल। ये दो चीज़ आपके बेसिक चीज़ हैं, इसकी आपको बहुत दिनों की बहुत ज़रूरत है तो ये अच्छे क्वांटिटी में लें। यहाँ मैंने एक स्पून लिया है फेविकॉल का। आप स्पून यूज़ ना करते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इसे अच्छे से आटे की तरह गूंथ लीजिए। आप देखेंगे ऊपर ड्राई हो गया है तो आप इसे अगर लगाएंगे तो लगेगा नहीं, तो बेटर है कि आप एक लेयर फेविकॉल का अच्छे से लगा के फिर इसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जब आप चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा। तो आपको ये सेम प्रोसीजर बार बार रिपीट करना है जब तक आपका जो भी खाली जो स्पेस है वो फिल ना हो जाए। याद रखिएगा ये आपका बहुत मेन स्टेप है क्योंकि आपको जो खाली जो स्पेस है जो दीमक ने खाली उसको फिल करने के लिए आपके पास यही होता है कि आपको लकड़ी के बुरादे से आपको फिल करना होता है। कोई अगर आपको कोई जगह दिखे उसमें भी आप अच्छे से उसको दबा के उसके अंदर फिल करिए। अगर आप सेकंड लेयर लगाना चाहते हैं तो बेटर आप ओवरनाइट वेट करें ताकि वो ड्राई हो जाए, फिर आप सेकंड लेयर लगाएं और आप अच्छे से उसे फिल करें। आप देख सकते हैं हमारा जो अदर साइड है वो ऐसा उसका लुक है, लेकिन अभी मैंने कोई शेप डाली नहीं है। तो थर्ड स्टेप है हमारा शेपिंग। शेपिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वॉल पुट्टी है, और जिसे मैंने नॉर्मल पानी में डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। याद रखें आपका जो मेन काम करेगा वो लकड़ी का बुरादा करेगा, ये सिर्फ मैं फिनिशिंग और शेप देने के लिए सिर्फ यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें, आप इसे अच्छे से पूरे जो भी खाली जगह है उसे आप लगाइए। इसे अच्छे से फिल कर दीजिए आप, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि मैं जो लकड़ी के जो बुरादे वाली जो फिलिंग अगर वो स्किप करके डायरेक्ट अगर पुट्टी का इस यूज़ करके फिल कर दूं तो आप बहुत गलत होंगे, क्योंकि जैसे ही वो ड्राई होगा तो वो निकल जाएगा। तो आपका जो मजबूती जो टिका रहेगा वो आपका लकड़ी का बुरादा ही टिका रहेगा। अब मैं कर रही हूँ शेपिंग का काम। शेप देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने स्पून का इस्तेमाल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने टेबल को, अपने वार्डरोब या कोई भी चीज़ को जो बहुत सिंपल है तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे डिज़ाइन देना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तीन लाइन है जिसका मैंने शेप दिया है, लेकिन अभी शेप अच्छे से दिख नहीं रहा है तो आप घबराइए मत। अभी सिर्फ अब हम करेंगे हमारा फोर्थ स्टेप, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सैंड पेपर का, जिसे हम लोग अच्छे से रब करके हम इसे स्मूथ करेंगे। आप इसे तब तक स्मूथ करेंगे जब तक आपको डिज़ायर्ड लुक नहीं मिल जाता। आप ये देख सकते हैं कि हमारे तीन लेयर्स दिखने लग गए हैं। ये रहा, इसे करना गाइस बहुत ही सिंपल है। इसके बहुत आपको लग रहे होंगे बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पेंट, आपका जो भी फर्नीचर का कलर है आप उसके मैचिंग का कलर आप पेंट कर सकते हैं। और पेंट करने से पहले आप कोई भी ड्राई ब्रश लेके जो एक्स्ट्रा डस्ट है उसके ऊपर आप अच्छे से निकाल लीजिए और आप उसे पेंट कर लीजिए। आप देख सकते हैं जो मेरा पुराना जो फर्नीचर का कलर है वो थोड़ा मैट है, उसमें थोड़ा कोई भी शाइन या कोई भी ग्लॉस नहीं है, लेकिन जो अब मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो मेरा बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा 1920 है, ये थोड़ा ग्लॉसी पेंट है। तो इसे इवन करने के लिए मैं पूरे फर्नीचर को सेम कलर से पेंट करूँगी। आप जब पेंट करें तो बहुत अच्छे से पेंट करें। अगर आप चाहें तो आपके पास अगर ब्लू पेंटर टेप है तो आप वो भी लगा सकते हैं ताकि आपका जो पेंट है आपके मिरर में ना लग जाए
और अगर लग भी जाता है तो आपको पता ही है कि वो जो पेंट है आप ऑयल यूज़ करके आप हटा सकते हैं, जो दीमक वाला ऑयल है आप उससे लगा के हटा सकते हैं। लेकिन जो मेन थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप जब भी पेंट करें तो अपने फर्नीचर को अपने वॉल से थोड़ा बाहर खींच के पेंट करें, क्योंकि आपका जो पेंट का जो ड्रॉप है वो वॉल पे लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वॉल पे लग चुका है, जो कि अभी रिसेंटली मेरा पेंट हुआ, वो जो वॉल पे जो पेंट हुआ है वो बहुत ही फ्रेश है। तो आप अच्छे से पेंट करें ताकि कोई भी वाइट स्पॉट ना रहे, वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये बहुत हद तक वैसा दिखने लग गया है। मैं इंडिया जब गई थी तो मैं ट्राईपॉट ले जाना भूल गई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी। एंड वो मेरी सिस्टर इन लॉ है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी तनवीर। तो ये है हमारा लुक, अभी ऐसा दिख रहा है। तो मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था,